टॉपिक किया था वो किया था कि गोलीय दर्पण की परिभाषा, उसके प्रकार, और उसके बाद अपने किया था उसके ज्यामिति के बारे में। आज अपने करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण जो करते हैं, सबसे पहले उनके नियम जानना बहुत जरूरी है, तभी अपने प्रतिबिंब निर्माण हो पाएगा। सबसे पहला नियम देखते क्या होता है। सबसे पहला नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो भी आती है कहां से जाती है, परावर्तन के बाद फोकस में से गुजर जाती है। सबसे पहला नाम है अपना इसका मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जो किरण आती है। देखो मुख्य अक्ष सबसे पहले अपने दर्पण बनाते हैं, मान लो ये अपने पास कौन सा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहां बीच से क्या गया इसका मुख्य अक्ष, बीच में ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। ये साइड क्या है इसकी, अवतल दर्पण की होती है पॉलिश की हुई। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर कोई भी किरण आ रही है, आ गई यहां पे आपतित हो गया। देखो ये परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, सीधी मुख्य फोकस में से जाएगी। देखो यहां से निकल जाएगी, ये वाली कहां से जाएगी, यहां से जाएगी। तो यही इसका पहला नियम है कि पहली जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के बाद फोकस में से होकर गुजरती है। यही अपने देख लेते हैं इसमें, ये तो अपना किया अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में, देख लो ठीक है, उत्तल दर्पण है ये अपना। देखो इसकी ये वाली सतह क्या की होती है, पॉलिश की होती है। यहां पे क्या है इसका फोकस, फोकस से थोड़ी दूर बीच में क्या आ गया अपने पास केंद्र, बीच में पी, वही मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित करो, ये हो गई यहां से, ये हो गई। लेकिन ये क्या करेगा, इन किरणों को फोकसित नहीं करेगा जैसे इसने किया था फोकस पे, ये क्या करेगा इनको दूर फेंक देगा, यूं दूर फेंक देगा इनको। तो अपने क्या करेंगे, जबरदस्ती मिलाएंगे, इसको मिला सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं, इसको कहां मिलाओगे जबरदस्ती, फोकस पे, क्योंकि अपने को ये चीज पता है कि समांतर किरण आएगी वो फोकस में से जाएगी ही जाएगी, भले वो सीधे मिल जाए भले अपने उसको जबरदस्ती से मिलाएं। तो ये हो गया अवतल दर्पण में, ये हो गया अवतल दर्पण में। अब बात करते हैं अपने सेकंड नियम की, फोकसीय किरण, कौन सी किरण है ये, फोकसीय किरण। ठीक है, सबसे पहले भाई अपने दर्पण ले लेते हैं, अपना अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ये सतह क्या है इसकी, पॉलिश की हुई, पी एफ सी। अब इसने क्या कहा है, फोकसीय किरण है। फोकसीय किरण का क्या मतलब है, एक किरण जो फोकस से आएगी, देखो फोकस से यहाँ पे आपतित करो, ये रहा फोकस में से ये किरण आ रही है यहाँ पे, तो फोकसीय किरण बोलेंगे इसको। तो फोकसीय किरण जब फोकस से होकर जो किरण आ रही है वो परावर्तन के बाहर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ये इसका नियम है। अब उत्तल दर्पण में देख लो, सीधी सी चीज याद रखना, समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष में से, मुख्य अक्ष में से जाएगी तो समांतर हो जाएगी परावर्तन के बाद। अब ये देखो यहां पे P, देन यहां पे क्या आ गया इसका F, देन C। देखो फोकस में से, फोकस में से तो कैसे जाएगी, क्योंकि इधर का जो सिस्टम है सारा क्या है, नकली है, वास्तविक नहीं है, इधर साइड आभासी है पूरे का पूरा। तो देखो अपने माना कि कोई किरण है ऐसे, ये कहां से आ रही है, फोकस में से आ रही है, माना आपको फोकस में से आ रही है तो कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो ऐसे आ रही थी, अपने को क्या लगेगा फोकस में से आ रही है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, बिल्कुल समांतर हो जाएगी, मिलेगी नहीं, जबरदस्ती मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई दो किरणों की बात। अब बात करते हैं अपने तीसरी किरण की। पहली थी मुख्य अक्ष के समांतर किरण, दूसरी आ गई थी अपने पास फोकसीय किरण। अब तीसरी बात करते हैं अपने अभिलंब किरण। अभिलंब मीन्स ऐसी किरण जो कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, अभिलंब किरण, किरण लिख लो चाहे प्रकाश किरण लिख लो बात एक ही, अभिलंब किरण। देखो बनाया आपने दर्पण,
मुख्य अक्ष ये पॉलिश की हुई इसकी सतह, पॉल पी फोकस एफ सेंट्रल सी वक्रता केंद्र। अब इसने कहा क्या क्या कहा, अभिलंब किरण। अभिलंब देखो, ये मान लो अपने पास कोई भी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बना लेते हैं कोई भी अपने पास ये गोला है, इसका केंद्र है यहां से यू लाइन की तो यू खींच दो, आपको पता है क्या है त्रिज्या है, तो कोई भी त्रिज्या वक्र की आपकी जो गोला है इसकी परिधि के साथ क्या बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब क्या करती है अभिलंब का काम करती है, वही यहाँ पे अपने पास ध्रुव करेगा, वक्रता केंद्र करेगा, सॉरी देखो वक्रता केंद्र है यहाँ से आई केंद्र, मतलब वक्रता केंद्र से यहाँ आती हुई, तो ये क्या होगी एक त्रिज्या होगी वक्रता त्रिज्या, तो क्या करेगी यहाँ पे 90 का कोण बनाएगी, तो देखो यू निकलगी, ये तो आपको समझाने के लिए था, इस केंद्र से निकाल लेना सीधी बन जाएगी, तो मतलब जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौटेगी, बीच में कोई कोण नहीं बनेगा इसके, ठीक है। अब ये तो बात हो गई उत्तर दर्पण की, अब देखते हैं अवतल दर्पण, सॉरी अब बात आती है उत्तर दर्पण की, कौन सा है ये दर्पण, उत्तर। अब देखते देखो आपने क्या बात की, यहाँ पे क्या था इसका फोकस, इधर क्या था वक्रता केंद्र, सीधी सी बात है वक्रता केंद्र इस साइड जितनी भी इसकी दुनिया है ना वो क्या होगी वास्तविक, और दूसरी साइड आभासी यानी कि पूरी झूठ की दुनिया होगी, कोई इधर कोई भी रेखा नहीं मिलेगी, अपने उसको जबरदस्ती मिलाएंगे, वही बात वक्रता केंद्र है, किस साइड है आभासी साइड है, अपने क्या करेंगे यहाँ पे मान लो ये किरण है, ठीक है यूं मतलब मिला दिया मान लो सी यूं निकल गई, तो देखो अपने क्या कहेंगे कि कोई जो किरण है वो कहाँ से आ रही है वक्रता केंद्र से आ रही है, हालांकि आएगी नहीं माना वक्रता केंद्र से आ रही है, केंद्र से जितनी दूर वेग से आएगी उसी कोण में, उसी कोण से कोण तो कोई बन नहीं रहा 180 डिग्री का है, तो उसी में से वापिस चली जाएगी, ये हो गया आपका अभिलंब किरण। एक लास्ट रहेगी आपकी चौथी किरण, चौथी किरण कौन सी होती है तिर्यक, तिर्यक रेखा या तिर्यक किरण, तिर्यक तिर्यक में जो टेढ़ी देखो इसमें देखना अपना ने बना लिया ये दर्पण पॉल पी, ठीक है यहाँ क्या आ गया फोकस वक्रता केंद्र सी, अब देखो यहां से तिर्यक किरण कहां पर आपतित होगी पोल पी पर आपतित होगी, ये देखो टेढ़ी किरण है इसको क्या बोलेंगे तिर्यक किरण, कहां आपतित हुई पोल पी पे, परावर्तन का पहला दूसरा नियम याद करो कि जो पहला नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब का काम करेगा, तीनों कहां आते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं, दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण जितने वेग से आएगी और जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में समान वेग से लौट जाएगी, ठीक है तो ये आई और इधर से समान वेग से लौट गई, सेम ही प्रोसेस कहाँ होगा उत्तल दर्पण में होगा, बना के देखते हैं पॉलिश की सतह यहाँ क्या आ गया एफ, इधर क्या आ गया सी, देखो तिर्यक किरण ये आगे तिर्यक किरण यू निकल गई, सेम प्रोसेस कोण आई और कोण आ गई, यहाँ पे जो मुख्य अक्ष है इस टाइम ये अभिलंब का काम कर रही है, देखो आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब हो गया परावर्तन का दूसरा नियम, तो इसको आप लोग दोबारा से देख लो, ये अपनों ने चार नियम किए थे, तीसरा नियम था इसका अभिलंब किरण, फिर आगे अपना तिर्यक रेखा, देखो तिर्यक रेखा सीधी निकलेगी, परावर्तन का कौन सा नियम होगा दूसरा नियम इसमें जो है वो लगेगा।